कल दिनांक 26 मार्च को शाम 6 बजे के आसपास खुसरूपुर थाना क्षेत्र को सूचना मिली कि अनिल प्रसाद उर्फ मीना अपनी पत्नी के साथ मारपीट हुई। पुलिस बल द्वारा इनको काबू में किया गया और इनके पास से कट्टा और एक 7 जिंदा कारतूस और एक खोखा वहाँ से घटनास्थल से बरामद किया गया और इनका घर सर्च करने पर एक देसी राइफल भी बरामद। पत्नी को लेकर घरेलू विवाद है इनका, है कि पत्नी मुझे ये इस टाइप का जो घरेलू विवाद होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24, मैं हूँ अजय कुमार। अपनी ही पत्नी ने अपने पति को गिरफ्तार करा दिया है। आपको बताते चलें कि पत्नी को काफ़ी दिनों से शराब पी करके प्रताड़ित किया करता था, मारा पीटा करता था। आए दिन शराब पीने के बाद अपने घर पर आकर के पत्नी को मारा और धमकाया करता था और पिस्टल से भी उसे मार देने की धमकी दिया करता था, जिससे परेशान आकर के पत्नी ने ही पहले पुलिस को कॉल करते हैं और उसके बाद पति को गिरफ्तार कराया जाता है। आपको बता दें, ताजा मामला खुसरूपुर थाना अंतर्गत का है, जहां पर कि अनिल प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक देसी राइफल है, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस है एक खोखा के साथ। आपको बताते चले कि जो अनिल प्रसाद है, इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है और यह शराब के भी बड़े कारोबारी हैं, जिसकी सूचना फोन पे उनकी ही पत्नी ने पुलिस को दी है। और इस मामले पर क्या बयान दे रहे हैं ग्रामीण एसपी, जरा देखें। कल दिनांक 26 मार्च को शाम 6 बजे के आसपास खुसरूपुर थाना क्षेत्र को सूचना मिली कि अनिल प्रसाद उर्फ मीना अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिचमान पुअनी राहुल कुमार द्विवेदी अपनी टीम के साथ जब इनके घर पहुंचे तो देखा गया कि ये पत्नी पर कट्टा ताने हुए थे। पुलिस बल को देखते ही ये फायर कर दिए। उसके बाद पुलिस बल द्वारा इनको काबू में किया गया और इनके पास से कट्टा और एक 7 जिंदा कारतूस और एक खोखा वहाँ से घटनास्थल से बरामद किया गया और इनका घर सर्च करने पर एक देसी राइफल भी बरामद हुआ। उसके बाद इनको गिरफ्तार करके लाया गया और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिस संबंध में जाँच की जा रही है। शिकायत इनके मोहल्ले वालों ने की थी कि इससे पहले भी इनका अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। कल शाम के समय ये पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उनको कट्टा ताने हुए थे। अगर थोड़ी देर भी और पुलिस से पहुंचने में होती तो पत्नी को मारपीट। सूचना पत्नी ने दी थी, हाँ, पहले पत्नी ने सूचना दी थी कि ये मारपीट करते हैं बराबर, लेकिन पुलिस के जाने पर भाग जाते थे घर से। लेकिन कल उस मौके पर ही पुलिस पहुंची और उसकी वजह से उनकी पत्नी की जान बच सकी और उनको गिरफ्तार के साथ किया जा सके। पुलिस ये इनके बारे में शिकायत है कि शराब वराब का भी काम करते हैं, शराब बेचने का भी शिकायत इनके बारे में है और पत्नी के साथ मारपीट की इनकी बराबर शिकायत है। शराब बेचने का इनका शराब का इस पर केस है ना, शराब का उसका जांच चल रहा है। शराब के संबंध में इनकी शिकायत है तो उसकी जांच की जा रही है। उनके पास से एक राइफल कट्टा, इनके घर से राइफल मिला था और हाथ से कट्टा जो पुलिस के सामने फायर किए वो बरामद हुआ और 7 कारतूस बरामद हुआ इनके पोजिशन से। पत्नी को लेकर घरेलू विवाद है इनका, है कि पत्नी मुझे ये इस टाइप का जो घरेलू विवाद होता है उस टाइप का मैटर है। शिकायत इनकी बराबर मिलती है। इस तरह की नौबत की पत्नी पर ही गोली चलानी, वो ताने हुए था, लोडेड कट्टा पत्नी पर इसने ताने हुए था, पुलिस को देखते ही इसने फायर कर दिया। उस समय इतना ये आवेश में, पहले भी जेल जा चुका है। इसका सत्यापन किया जा रहा है। इसके बारे में पहले बताया आपको कि शिकायतें, जाहिर सी बात है कि ग्रामीण एसपी ने साफ तरीके से कहा है कि पत्नी के कंप्लेन के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके घर पर जा करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस जैसे ही उसके घर पर पहुंचती है तो देखती है कि अनिल प्रसाद अपने ही पत्नी पे लोडेड कट्टा उसके सर पे लगाए हुए है। उसी क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम कर दी है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC24। अगर हमारे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।